सो फ्रेंड, यह है पॉइंसेटिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला क्रिसमस प्लांट। इसकी इतनी डिमांड सिर्फ इसके कलर कंट्रास्ट की वजह से है, और आप इसको कलर चेंजिंग प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इस तरह ऊपर से रेड और नीचे से ग्रीन लीव्स निकालता है, और गर्मियों में ये सिर्फ ग्रीन लीव्स ही निकालता है। फ्रेंड्स, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप इस प्लांट से अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पाएंगे, और इस वजह से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लांट में से एक प्लांट है। और फ्रेंड, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट भी है, तो इसकी केयर भी बाकी प्लांट से थोड़ी हटके और थोड़ी मुश्किल भी है। बट डोंट वरी, चाहे कोई भी प्लांट हो, हमारा उसकी केयर करने का एक ही सिंपल रूल होगा, जस्ट कॉपी द नेचर। कुदरत को कॉपी करो और प्लांट्स को वैसे ही पैरामीटर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड, ये प्लांट मैक्सिको में पाया जाता है, और मैक्सिको में ये विंटर्स में अपना रेड कलर ब्लूम करता है। फ्रेंड, सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं, और धूप भी थोड़ी कम निकलती है। और मैक्सिको को जिस एरिया में ये प्लांट पाया जाता है, वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 20-24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इस प्लांट के लिए परफेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्लांट को इंडोर में रखें, जहाँ टेम्परेचर 15-25 डिग्री सेल्सियस तक हो, और वहाँ अच्छी वेंटिलेशन भी हो, ताकि इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट पहुँच सके। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को किसी भी ओपन विंडो या डोर के सामने बिल्कुल ना रखें, जहाँ इसको ठंडी हवा लगे। फ्रेंड्स, तो ये रही सर्दियों की बात, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, तो इसकी गर्मियों की केयर भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैक्सिको में गर्मियों में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो हम गर्मियों में भी इसको ठंडी छाएँ वाली जगह में रखेंगे, जहाँ आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी ग्रो करेगा। और अब बात करते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम की, जो कुछ लोग फेस करते हैं इस प्लांट को घर ले जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि नर्सरी से तो वो ये प्लांट हेल्दी लेकर गए थे, लेकिन घर ले जाने के एक दो दिन के बाद उनके प्लांट की पत्तियां झड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दो ही मेन रीज़न हैं। पहला तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनसे इस प्लांट का पॉट चेंज करते वक्त इसकी मिट्टी झड़ जाती है, इस वजह से इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और प्लांट अपनी पत्तियाँ झाड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग करते वक्त इसकी मिट्टी बिल्कुल ना झड़े। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो ही इसका रिपोर्ट करें, वरना बिल्कुल ना करें। लेकिन फ्रेंड्स, जो नर्सरी पॉट होते हैं वो देखने में इतने अच्छे नहीं होते, वो सिंपल ब्लैक पॉट होते हैं। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप जिस भी पॉट में इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, आप इस प्लांट को नर्सरी पॉट के साथ उस पॉट में रख दें। इससे आपके प्लांट की रूट भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, और आपका पॉट भी काफ़ी सुंदर दिखेगा। और फ्रेंड्स, इसका दूसरा मेन रीज़न है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो भी अपनी पत्तियाँ झाड़ देगा, और अगर आप इसको कम पानी देंगे तो भी अपनी पत्तियाँ झाड़ देगा। तो फ्रेंड्स, आपने इसको हफ्ते में एक से दो बार थोड़ा सा पानी देना है, वो भी इसकी मिट्टी चेक करके, जब इसकी मिट्टी सूखी हो। और ये ध्यान रखना कि पानी इसकी पत्तियों पे ना डालें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जिस वजह से इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्द ख़राब भी हो जाती हैं, और ये प्लांट अपनी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा स्लो निकालता है। तो आप पानी डायरेक्ट पॉट में ही डालें। एंड आई होप फ्रेंड्स, आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।